पास लेके आया हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। एग्जैक्टली इसको याद कर रहा है। अब आज हम समझने वाले हैं कि अ फ्यू फ्यू अ लिटिल और लिटिल इनमें फर्क है। देखो एक चीज बड़े ध्यान से समझ लेना, ठीक है, एक चीज बड़े ध्यान से समझ लेना कि सबसे पहले तो ये जो दो कैटेगरी है ना, ये यूज होती है हमारी ऐसे आइटम्स के लिए जो कंफर्टेबल है, ये दो आप ऐसे आइटम्स के यूज करते हैं जो अगर बात यहां से समझ में आ तो ये पहला पार्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। आ फ्यू और फ्यू ऐसे आइटम्स के यूज करना जो कंफर्टेबल है, अ लिटिल और लिटिल ऐसे चीजों के आप यूज करेंगे जिसका ज्यादा क्या कंफर्टेबल हो, पहली चीज तो ये। दूसरा मुझे एक चीज और समझना है कि अ फ्यू और फ्यू के बीच में भेद क्या है। देखो ये चीज समझना ध्यान से, अ फ्यू का मतलब होता है सम, सम का बेहतर मीनिंग है कुछ, इसका मतलब है पॉजिटिव मीनिंग। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, और ये नेगेटिव मीनिंग जनरेट करता है, ये नेगेटिव मीनिंग जनरेट करता है। अब अगर मैं इस चीज को यहां से नहीं समझ पाया तो कैसे समझूं? देखो हमने कहा आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स और हमने कहा आई हैव दोनों कुछ फर्क होगा भैया, जब लिखोगे तो कोई फर्क होगा। अब ध्यान से देखो, जब आप फ्यू बोले तो फ्यू बोले, अभी भी हमने पढ़ा कि फ्यू जो है नेगेटिव है और आप फ्यू क्या है पॉजिटिव है, तो आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स का मतलब होता है मेरे कुछ दोस्त हैं और आई हैव फ्यू फ्रेंड्स मतलब मैं नेगेटिव बोल रहा हूं कि मेरे बहुत कम दोस्त हैं। तो इन दोनों मीनिंग को इस तरीके से समझ लिया, पहली चीज तो आपको ये समझ में आनी चाहिए। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो यहां से समझ लो, देखो अगर मैं बोलूं आई हैव, If I say, I have little children or I have a little sugar. In दोनों sentence में क्या difference है? तो I have little sugar, I have a little sugar. I have little sugar का मतलब मेरे पास बहुत कम शक्कर है। लेकिन अगर मैं बोलूँ I have a little sugar, इसका मतलब मेरे पास कुछ शक्कर है, ठीक है? मेरे पास कुछ शक्कर है मतलब कुछ तो है, कुछ है अगर आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन आई हैव लिटिल शुगर का मतलब मेरे पास ना कर आपको मैं आपको नहीं दे सकता। तो दोनों के मीनिंग को ध्यान से समझना। कभी जिंदगी में आप अ फ्यू शुगर नहीं बोल पाएंगे, कारण यह है कि शुगर आपकी अनकाउंटेबल अमाउंट है और अनकाउंटेबल अमाउंट में पहले अ फ्यू का ध्यान तय नहीं। अभी अभी हमने पढ़ा कि इनको आप वहां यूज कर सकते हैं माने के लिए, वो जो काउंटेबल अनकाउंटेबल आ फ्यू और फ्यू वहां यूज करना जो काउंटेबल। तो अगर मैं कहूं कि आ फ्यू फ्रेंड्स तो देखो फ्रेंड्स काउंटेबल है, अगर फ्रेंड्स काउंटेबल है तो उनके पहले भी लगा सकता हूं आ फ्यू या फ्यू। अब कंफ्यूजन कहां होती है, कंफ्यूजन क्या होती है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आ फ्यू एंड फ्यू एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ लिटिल एंड लिटिल। तो देखो दो मिनट में उसको जब खत्म कर देते हैं तो समझ आके बड़े आसान शब्दों में। देखिए जब आप कहते हैं फ्यू तो फ्यू जो है नेगेटिव मीनिंग जनरेट करता है और अ फ्यू पॉजिटिव मीनिंग जनरेट करता है। पॉजिटिव मीनिंग का मतलब होता है कुछ, किसका मतलब होता है सम। फ्यू जब मैं बोलता हूं तो इसका मतलब होता है न के बराबर या मैं यूज कर सकता हूं हिंदी में बहुत कम। अब देखो आपके पास दो सेंटेंस है, आपके पास दो सेंटेंस है, आपने लिखा आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स और आपने कहा आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। अब ध्यान से देखो, जब आप बोल रहे हैं फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू फ्रेंड्स का मतलब बहुत कम दोस्त है, आपने कहा आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स मतलब मेरे कुछ दोस्त है, यहां पॉजिटिव मीनिंग है या नेगेटिव। देखो आपने कहा किसी ने आपसे शक्कर मंगा, आपने कहा आई हैव लिटिल शुगर और आपने कहा आई हैव अ लिटिल शुगर, आई हैव अ लिटिल शुगर, दोनों फर्क है कि अ लिटिल और लिटिल में लिटिल जो है ना नेगेटिव मीनिंग जनरेट करता है, मतलब मेरे पास बहुत कम शक्कर मैं नहीं दे पाऊंगा, छुपा रहे चोर बनने की कोशिश कर रहे हैं, देने का आपका मन में भाव नहीं। आई हैव अ लिटिल शुगर, अ लिटिल का मतलब है पॉजिटिव मीनिंग,
नाउन के साथ। नाउन है एडवाइस। एक चीज बड़े ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये एडवाइस जब ऐसी होता है ना कि वर्ब का फॉर्म। अब अगर ये वर्ब होगा तो इसके पास्ट फॉर्म होंगे एडवाइस और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होंगे एडवाइस। लेकिन जब ये एडीवीआईसी होता है तो ये होता है बेसिकली नाउन, और इसके पहले हमने लगाया है एडजेक्टिव। अब हमें चूज करना है कि इसके पहले कौन सा एडजेक्टिव लगाएं। तो ध्यान से देखो, अभी हम यहां पे समझ लेते हो, फ्यू आर अ फ्यू, ऐसे आइटम्स को पहले लगाएंगे जो काउंटेबल हो। एडवाइस को क्या है, एडवाइस है काउंटेबल नाउन। एडवाइस जो है अनकाउंटेबल नाउन। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो फ्यू आर अ फ्यू का दायरा तय नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, लिसन केयरफुली, आई एम गोइंग टू गिव यू लिटिल या अनलिटिल एडवाइस, ठीक है। लिटिल या अनलिटिल एडवाइस, मतलब देखो लिटिल का मतलब बहुत कम एडवाइस होगा, अनलिटिल का मतलब कुछ एडवाइस होगा। तो मैं डेफिनेटली मैं क्या बोलूंगा, कुछ एडवाइस होगा, ऐसा थोड़ी होगा मैं आपको बहुत कम एडवाइस दूंगा। डू यू माइंड इफ आई आस्क क्वेश्चंस? अब देखो मैं से क्वेश्चंस है कि नाउ चेक करो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अब हमने जब चेक किया तो बैक काउंटेबल है, क्वेश्चन को गिना जा सकता है, क्वेश्चन को क्वेश्चन में क्वेश्चन। अगर ये काउंटेबल है इसका मतलब या तो लगा होगा फ्यू या तो ऑफ फ्यू, तो लिटिल एंड लिटिल हमारे ऑप्शंस होगा बाहर। डू यू माइंड इफ आई आस्क यू ऑफ यू क्वेश्चन, अगर मैं बोलूं तो क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं, और डू यू माइंड इफ आई आस्क यू न के बाद, तो मैं डेफिनेटली आपको बोलना चाहता हूं कि बाकी से क्वेश्चन क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं, तो बाद कुछ सवाल की तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑफ यू क्वेश्चन। This town is not a very interesting place to visit. मैं ये बोल रहा हूँ कि टाउन है ना बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस नहीं है घूमने खाने के। So dash tourist कम है। अब देखो tourist जो है नाउन हो गई आपकी countable। अब अगर ये नाउन countable हो गई तो लिटिल और लिटिल ऑप्शंस बाहर। अब हमें चेक करना है few और few। अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं है, ध्यान से देखो, अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं है इसका मतलब बहुत कम लोग आते हैं, बहुत कम का दायरा तय कौन करता है फ्यू। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्यू टूरिस्ट, टूरिस्ट कम है। आई डोंट थिंक जिल वुड बी अ गुड टीचर। अब ऐसा बोल रहे हैं मुझे नहीं लगता जिल जो है वो एक अच्छा टीचर साबित होगा। शी हैज गॉट डैश बेसिक। अच्छा अगर हम ये बोल रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये कोई भी व्यक्ति जो है ये अच्छे टीचर साबित नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उनके पास पेशेंस बहुत कम है। पेशेंस अगर ज्यादा है या पेशेंस कुछ है तब तो अच्छे टीचर हो जाएंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेम कि वो अच्छे टीचर नहीं होंगे क्योंकि उनके पास पेशेंस बहुत कम है। अब पेशेंस जो है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन का सीधा मतलब ये होगा कि फ्यू और फ्यू ऑप्शंस बाहर बचे लिटिल और लिटिल। अब इन दोनों दायरों में हमें समझना है कि पेशेंस बहुत कम है, पेशेंस अगर बहुत कम है तो नेगेटिव मीनिंग है लिटिल होगा और लिटिल नहीं हो पाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा आई डोंट थिंक जिल वुड बी अ गुड टीचर, शी हैज गॉट लिटिल पेशेंस। Would you like milk in your coffee? Would you like milk in your coffee? आपको व्यक्ति आया आपको बड़ा आनंददार है, मेरे घर पे व्यक्ति आए हैं आपने उनको चाय ऑफर किया, ये बात अलग है। टीचर ने आके आप उनको गाली पर देते हैं, ठीक है चुल्ला देते हैं, आज तो मैं हमारे पास आए हैं हम तो अपना इंग्लिश पढ़ रखे हैं तो डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने तो भाई इज्जत बनती। तो वुड यू लाइक मिल्क इन योर कॉफी? यस प्लीज। अब अगर मैं बोलूं क्या मिल्क चाहिए आपको कॉफी में, तो भैया मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, पहली चीज तो ये समझना। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन, अच्छा अनकाउंटेबल नाउन का मतलब फ्यू और काफी को डायरेक्ट पा रहा है। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि मिल्क चाहिए थोड़ी सी, तो यस प्लीज, तो यस प्लीज के बाद आपका फ्यू और फ्यू ऑप्शन से बाहर लिटिल और लिटिल। लिटिल का मतलब हो जाएगा बहुत कम, अनलिटिल का मतलब कुछ, तो भाई अनलिटिल आप बोलेंगे लिटिल बात कहें भाई कुछ चाहिए, ठीक है कुछ चाहिए। This is a very boring place to live. एक जगह है उसके बारे में हम स्टेटमेंट में बता रहे हैं कि ये बहुत बोरिंग जगह है। अब अगर ये बोरिंग जगह है तो यहाँ बहुत कुछ किया नहीं जा सकता, ठीक है यहाँ बहुत कुछ किया नहीं जा सकता। अच्छा कोई ऐसा कर तो है कि जिसको हम गिरे तो यहाँ बहुत कुछ किया नहीं जा सकता, तो फ्यू और फ्यू पैसे भी गैप गैप हो गए। अगर ये बोरिंग प्लेस है तो देयर इज बहुत कम है, ठीक है बहुत ज्यादा नहीं मतलब बहुत कम है। अगर बहुत कम है लिटिल को हटाइए, क्या लिखिए लिटिल टू। तो अगर आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। हैव यू एवर बीन टू पेरिस? किसी का पूछ रहा है कभी पेरिस गए हो? तो उसने बोले यस आई हैव बीन देयर डैश टाइम्स। अब देखो ध्यान से टाइम्स, टाइम्स हो गया आपका काउंटेबल, कितने
कितनी बार गए हैं ये होंगे काउंटेबल। अगर ये काउंटेबल है तो खुद आएगा और फ्यू परफ्यू। इसमें से अगर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं कुछ बारी गया हूं, मतलब कुछ बारी गया हूं, तो कुछ बारी के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ऑफ यू। ऑफ यू विल बी करेक्ट ऑप्शन एंड फ्यू विल बी एलिमिनेटेड। वी मस्ट बी क्विक, वी हैव डैश टाइम, अब हम टाइम है अनकाउंटेबल। अगर ये अनकाउंटेबल ना हो तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो लेट और या फिर पहले। अब अगर आप किसी व्यक्ति से कह रहे हो कि हमें जल्दी करना चाहिए, इसका मतलब समय बहुत कम है, समय बहुत कम है का मतलब नेगेटिव सेंस है। अगर नेगेटिव सेंस है तो फिर लगाओ रेटिंग को, अगर रेटिंग बढ़ा तो क्या रेटिंग का मतलब बहुत ज्यादा कुछ समय है। यहां से बेसिकली हमारे वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए जो हमें परेशान करते हैं फ्यू ऑफ यू लिटिल और अलिटिल को समझने। मैं ऐसा करता हूँ आपको चीज समझ में आई होगी, पढ़ाई को एंजॉय करिए, नेक्स्ट एलिमेंट बहुत जल्दी आपके पास क्लियर होगा।